भांडी तहसील के ग्राम केवलारी के रहने वाली पीड़िता श्रीमती राखी ने जहर खाकर अपनी जान दी। आपको बता दें, मृतका राखी की करीब 2 साल पहले भांडेर के ग्राम केवलारी में हुई थी शादी। मृतका के भाई और चाचा ने ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप कि ससुराल वाले मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, जिस वजह से या तो मृतका ने जहर खाया या फिर ससुराल वालों ने खिलाया। इसको लेकर भांडेर थाने पहुंचे और थाना प्रभारी से ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन थाना प्रभारी ने कहा पहले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी। ऐसा मृतका के परिवार जनों का कहना है। वहीं मृतका के परिजन मृतका के शव को एम्बुलेंस से लेकर पहुंचे भांडेर थाने के बाहर कार्रवाई के लिए मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। क्या नाम है आपका और क्या समस्या है आपकी? सत्येंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? खजूरी। क्या समस्या है आपकी? ये हमारी बहन है, इसको ससुराल वालों ने दहेज का वो दे के 2 साल पहले शादी हुई थी और इसको उन्होंने। क्या नाम है आपका और क्या समस्या है आपकी? मेरा नाम करण सिंह जाटव है, मैं खजूरी का रहने वाला हूँ, ग्राम खजूरी। मेरा थाना धीरपुरा पड़ता है। हमारी लड़की की शादी 1918 में हुई थी। कोई मांग जांच नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे लोग, मतलब हमारा तो मना था सब कुछ, क्या भाई हम कुछ नहीं दे पाएंगे, हमारे पास लड़की है। ये लोग बोले ठीक है, हमें लड़की पसंद है, भलाई कुछ मत देना। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने लड़की को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। ना ही कुछ मुंह से तो मांगते नहीं थे, लेकिन उसको आंतरिक प्रताड़ना घर में ही देने लगे। घर पे बात भी नहीं करती थी लड़की, इन्होंने उस पर भी रोक लगा दी। इसके बाद लड़की ने मना भी कर दिया। एक बार आई घर पे तो मैं नहीं जाऊँगी, भाई लेके आ गए घर पे, तो ये लुवाने के लिए नहीं आए। फोन कहा कि भाई रोड पर पहुंचा दो, हर बार रोड पर ही लेके जा, घर पर भी नहीं आते थे लेने के लिए, रोड पर से ही ले जाते थे। लड़की को आंतरिक प्रताड़ना थी, इस कारण से इन्होंने मतलब हमसे तो नहीं मांग पाए पैसा वैसा दहेज, जो अभी मुंह से नहीं मांग पाए इन्होंने, मतलब उसको इतना कष्ट दिया कि पता नहीं जहर खा के इन्होंने खिला दिया, कैसे क्या हुआ हमको तो जब खबर पड़ी, जब लड़की मर गई, बोले लड़की बीमार है आ जाओ। 24 घंटे के बाद उन्होंने सूचना दी, जब हम पहुंचे तो लड़की मर चुकी थी। ग्वालियर पोस्टमार्टम होके अभी आए हैं, थाने के बाहर गाड़ी खड़ी है, थानेदार बोल रहा है पहले पोस्टमार्टम लाओ, इसके बाद अब पोस्टमार्टम आती है 1 महीने बाद, तो क्या है लड़की 1 महीने तक यहीं रखी रहेगी। आपकी थाने में रिपोर्ट नहीं ली जा रही है? जी सर। बताइए बताइए।